नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे KVS एडमिशन शेड्यूल जो कि आ गया है। सभी लोगों को बहुत प्रतीक्षा थी, बहुत वेट कर रहे थे, तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कब फॉर्म निकलेंगे और कब लिस्ट जारी होगी। सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सन 2021-22 में KVS में एडमिशन के लिए शेड्यूल है। फोर्थ वीक ऑफ मार्च में एडवर्टाइजमेंट निकलना था, वो निकल गया है। और इसके बाद 1/4/2021 से क्लास वन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास वन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट है 19/4/2021 7 बजे शाम के 7 बजे तक 19/4/2021 को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इन दोनों डेट को ध्यान में रखिए। 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, एडमिशन स्टार्ट होंगे ऑनलाइन, और 19 अप्रैल को शाम को 7 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसके बाद में जो फर्स्ट लिस्ट आएगी वो आएगी 23 अप्रैल 2021 को। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी पहली लिस्ट आएगी 23 अप्रैल को। दूसरी लिस्ट आएगी 30 अप्रैल 2021 को। उसमें अगर सीट खाली रहती है तो उसमें आरटी और सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू मीन्स जो गवर्नमेंट जॉब में है उनमें जो कैटेगरी वन में आते हैं कैटेगरी टू में आते हैं उनकी लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट और फिर थर्ड लिस्ट आएगी 5 तारीख को अगर सीट वेकेंट रहती है तो। ठीक है, तीसरी लिस्ट आएगी 5 मई को। ठीक है, उसमें सब रहेगा आरटी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी वन एंड टू और शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन आफ्टर एडमिशन इन वन एंड टू अबव। अगर आरटी में एडमिशन होने के बाद और सर्विस कैटेगरी के अंतर्गत सीट खाली रहती हैं तो तीसरी लिस्ट आएगी 5 तारीख को। फिर से एक बार उसको समझ लेते हैं। पहली लिस्ट आएगी 23 तारीख को जो सिलेक्टेड लिस्ट है। दूसरी लिस्ट आएगी 30 तारीख को आरटी जो आरटी के अंतर्गत 25% कोटा होता है उसमें और सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के लिए। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो रिजर्वेशन में जो शामिल आरक्षित कोटे में सीट बनने के बाद जो खाली सीट रहेंगी उनके लिए तीसरी लिस्ट आएगी 5 मई को। उसके बाद सेवा श्रेणी वेतन क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीट रिक्त हो। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट इफ एनी कीपिंग द लेफ्ट और रिजर्व सीट्स ब्लॉक्ड। अगर सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में जो गवर्नमेंट जॉब में है उनकी प्रायोरिटी में सिलेक्टेड होने के बाद अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में सीट वैकेंट है उनके लिए लिस्ट आएगी 3 मई से 5 मई 2021 के बीच में। ठीक है, उसके बाद में आरटी एससी एसटी एनसीएल के लिए अगर पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए, जितनी सीट के लिए आवेदन पत्र आने चाहिए थे अगर उतने फॉर्म नहीं आए तब फिर उसके लिए दोबारा से नोटिफिकेशन निकलेगा 10 मई 2021 को। जो उन्हें
आरटी में या ओबीसी में या एससी एसटी में जो सीट बननी है, अगर उतने फॉर्म नहीं आए पहले लिस्ट में, तो फिर दोबारा से नोटिफिकेशन निकलेगा 10 मई 2021 को, और उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 10 मई 2021 से 13 मई 2021 तक, और उनकी जो लिस्ट आएगी वो आएगी 15 मई 2021 से 20 मई 2021 के बीच। ये क्लास वन का था। क्लास टू का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में, और दूसरी जो क्लासों का रजिस्ट्रेशन है वो 8/4/2021 से 15/4/2021 को बीच में होगा। मतलब क्लास सेकंड से ऊपर जितने भी क्लासेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 के बीच में होगा। डिपेंड करेगा कि उस विद्यालय में क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या ऊपर सीट वैकेंट है कि नहीं है। अगर सीट वैकेंट होगी तो ही रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ऑफलाइन या विद्यालय में जाकर ही होगा। फिर उनकी लिस्ट आएगी 19/4/2021 को 4 बजे। क्लास सेकंड से ऊपर की लिस्ट आएगी 19 अप्रैल 2021 को 4 बजे, और एडमिशन स्टार्ट होगा 20 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 को। और 11th को छोड़कर अन्य क्लास के प्रवेश की अंतिम तिथि है 31 मई 2021। केवी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन की डेट है विदिन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। क्लास 10th के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 10 दिन बाद। और केवी के स्टूडेंट्स या क्लास 11th की एडमिशन लिस्ट जारी हो जाएगी। Within 20 days after declaration of class 10th result, और registration display of admission list and admission in class 11th subject to availability of vacancy होगी after the admission of KV students in class 11th। class 11th के लिए जो दूसरे students हैं उनके लिए registration और display of admission list उसके बाद में होगी। जो non KV students हैं उनकी list बाद में आएगी। और क्लास 11th की प्रवेश की अंतिम तिथि होगी 30 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट। तो ये सब क्लासेस की डिटेल्स थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लिस्ट देखनी है या जो रजिस्ट्रेशन देखना है या आपको एलिजिबिलिटी देखनी है कि आपके बच्चे का कौन सा है, सेलेक्ट लिस्ट देखनी है, या आपको विद्यालय के सूचना पत्र पे, नोटिस बोर्ड पे या विद्यालय की साइट पे मिलेंगे। और अगर उस दिन रजिस्ट्रेशन के दिन या लिस्ट वाले दिन कोई छुट्टी का दिन है तो वो काम अगले दिन होगा, वो लिस्ट अगले दिन भी आ सकती है, या कोई रजिस्ट्रेशन का डेट है वो जो है अगले दिन भी आ सकती है, ठीक है। ये थी पूरी जानकारी। और इसके अलावा मैंने सारी डिटेल्स अपनी पहली वीडियो में दे दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या साइट है। आप मेरी उस साइट का लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।